हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो स्टूडेंट के लिए बनाया जा रहा है क्योंकि मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, चाहे आप कॉमर्स के फील्ड के हो, मैथ्स के इस फील्ड के हो, साइंस के फील्ड के हो या फिर आर्ट्स के फील्ड के हो, इससे कोई मैटर नहीं है। आपको मैं पूरे डिटेल में बताऊंगा, सिर्फ और सिर्फ आपको ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखना है। अगर उसके बाद भी अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कर देना। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें, जिससे आपको ऐसे वीडियो मैं लगातार देता रहूंगा। सबसे पहले बात करते हैं इस वीडियो के बारे में, तो जो हमारा टॉपिक है वो है स्टडी से रिलेटेड, आपको कैसे स्टडी करनी है जिससे जो आपका मार्क्स है वो इंप्रूव होगा। तो फ्रेंड्स, आज का ये युग है वो मॉडर्न है और सभी लोग मोबाइल का यूज करते हैं। मैं आपको एक क्लियर बात बता देना चाहूंगा, आदमी 75% मोबाइल का मिस यूज करता है, और मैं क्लियर बात बोलूंगा क्योंकि मैं एक कट में बात करता हूं और वो 100% सही है। 75% आदमी मोबाइल का मिस यूज करता है। अब इसको इग्नोर करते हुए मैं आपको एक और बात बोलना चाहूँगा, अगर आप किसी भी चीज़ को एक बार करने की चाहोगे ना तो वो नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब आप छोटे थे, बच्चे थे, तो आप एक स्टेप में रिंग लेते थे, कभी नहीं। आप दो बार गिरे, तीन बार गिरे, आपने साइकिल चलाई या फिर गाड़ी चलाई, कभी ना कभी आपके साथ एक्सीडेंट तो हुआ ही होगा। तो ऐसा ही स्टडी से भी रिलेटेड है फ्रेंड्स। आप सोचेंगे कि इतना बड़ा मैं चैप्टर नहीं कर पाऊंगा, मैं इसको नहीं पढ़ सकता, ये मेरे लायक नहीं है। फ्रेंड्स, अगर आप अपने जो चीज है, जो भी अपने की स्टडी है, उसको आप सोचोगे कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा तो कोई और कर लेगा, और आपके पीछे वो छाप छोड़ देगा कि तुम ये नहीं कर सकते। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सोचना है कि ये मुझसे होगा, मैं इसे करूंगा, स्टडी बहुत इजी है, आराम से होगा। फ्रेंड्स, क्या होता है कि कॉलेज या स्कूल में हम जाते हैं, टीचर हमें पढ़ाती है, कभी कभी हमें कुछ समझ नहीं आता और हम चुपचाप बैठ जाते हैं, सर पूछते हैं तुम्हें ये समझ आया है, तो तुम हाँ बोल देते हो। तो ये मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है, लेकिन उस समय आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको वो चीज़ समझ ना आए तो आप सर से पूछ सकते हैं, चाहे जितने भी स्टूडेंट हैं वो आप पर हंसे, इतना छोटा सा तुम्हें समझ नहीं आता तो उसको, उनको हंसने दीजिए, क्योंकि वो हंस के चले जाएंगे, लेकिन जो आपका जिंदगी बेकार होगा वो आपका होगा। वो आप पर एक बार हंसेंगे और वो हंस के चले जाएंगे, लेकिन अगर आपको नहीं आता और आपने नहीं पूछा और वो नहीं हंसे तो इससे फ़ायदा क्या होगा? उनको कुछ फ़ायदा नहीं होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ लॉस होगा। तो अगर आपको कुछ चीज़ समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं, अगर फिर भी झिझक करते हैं तो आपके आमने सामने कोई होशियार स्टूडेंट होगा, आप उससे पूछ सकते हैं कि भाई ये जो सर ने समझाया वो मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्या आप तुम मुझे बता सकते हो। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बता देते हैं कि ऐसे होता है दोस्त, ऐसे होता है। कई बार क्या होता है कि मैं भी अपने कॉलेज और स्टूडेंट की लाइफ में देख चुका हूँ, कई बार मुझे भी समझ नहीं आती तो मैं अपने फ्रेंड सर्कल से पूछता, कई बार डिफिकल्ट भी प्रॉब्लम होती है तो मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं वो मुझे इजी वे में आसानी से मुझे समझा देते हैं जो भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम होती है। तो ये प्रॉब्लम था, इसको मैंने सॉल्व कर दिया। इसके बाद अगर आप प्राइवेट स्टूडेंट हो, क्लियर बात, अगर आप प्राइवेट स्टूडेंट हो, आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता होती है, क्योंकि आप अपने मम्मी पापा से दूर प्राइवेट जॉब करते हो, अर्न करते हो, अपने परिवार को पालते हो, उसके बाद भी स्टडी करते हो, तो इससे आपका एक लॉस होता है, वो होता है आप रेगुलर कॉलेज नहीं जा सकते या फिर स्कूल नहीं जा सकते। तो इसमें आपका एक प्रॉब्लम, दो प्रॉब्लम होता है, आप स्टडी रेगुलर नहीं कर सकते, कई बार आपको ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, कई बार आप ज़्यादा बिजी हो जाते हो तो आप नहीं पढ़ पाते। तो फ्रेंड्स, आपको कम से कम जो प्राइवेट स्टूडेंट हो, आधा घंटा आपको पढ़ना चाहिए। इसके अलावा आपको, मेरा रिकमेंड ये है कि आपको प्राइवेट कोचिंग करनी चाहिए, क्योंकि एक घंटा आप निकाल के प्राइवेट कोचिंग कीजिए। और जो प्राइवेट स्टूडेंट के साथ अक्सर होता है वो मैं आपको क्लियर बात बताने वाला हूँ, जो प्राइवेट स्टूडेंट होते हैं उनकी जो राइटिंग होती है वो गंदी होती है। इसका जो मेन कारण है मैं आपको बता रहा हूँ, जो इसका मेन कारण है उसका जो लिखने का जो हैबिट होता है वो रुक जाना, क्योंकि हम रेगुलर स्टूडेंट होते हैं और हम रोज़ कॉलेज में लिखते हैं, सर जो लिखाते हैं उसको लिखते जाते हैं, जिससे जो हमारा राइटिंग है वो इंप्रूव होते जाता है। कई हालांकि मेरा जो राइटिंग है उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, मैं आपको खुल के बता रहा हूँ, लेकिन जो रेगुलर स्टूडेंट होते हैं उनका राइटिंग अच्छा होता है प्राइवेट स्टूडेंट से। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप प्राइवेट स्टूडेंट हो तो भी आपको आधा घंटा लिखने का प्रैक्टिस करना चाहिए। और कई बार क्या होता है, पैटर्न का पता नहीं चलना, कई बार क्या होता है कि जो प्राइवेट स्टूडेंट होते हैं उनको पैटर्न का पता नहीं चलता कि कितने पेज लिखना है, कितना पेज नहीं लिखना है, उन लोग कम लिख क्या
जाते हैं जिससे वो फेल हो जाते हैं। तो अपने रेगुलर स्टूडेंट हैं उनसे आप टच में रहिए, फ्रेंड्स कैसे आपको लिखना है वो बता देंगे, आपके जो फ्रेंड होते हैं टीचर से सलाह लीजिए आपको कैसे लिखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपको फार्मूला है चाहे मैथ्स का फार्मूला, कॉमर्स का, आर्ट्स का या फिर किसी भी फील्ड का फार्मूला हो, आपको उसको कॉपी बना के रख लेना है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कॉपी बना के भूल जाते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं, जिससे क्या होता है कि उनको कुछ समझ नहीं आता। आपको क्या करना है, आपको अपने जो आपका स्टडी रूम है, जो आपका स्टडी रूम है या फिर कहीं कोई भी रूम हो, आप वहां जाके उसको चिपकाइए। चिपकाने से क्या होगा कि रोज आप उसको देखेंगे तो आपको जल्दी से जल्दी समझ आ जाएगा जो भी फार्मूला होगा। फ्रेंड्स फार्मूला एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स होता है जो आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स दिलाता है। फार्मूला ही अगर आप लर्न करके जाओगे उससे ही आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स मिल जाएगा। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन है वो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उसी प्रकार जो मैं फार्मूला है उसको मैं 3 से 4 बार पढ़ता था। सबसे पहले सुबह उठने के बाद उस फार्मूले को पढ़ता था, उसके बाद कॉलेज से आने के बाद मैं उस फार्मूले को पढ़ता था, उसके बाद दोपहर को 2 से 3 बजे के बाद मैं उस फार्मूले को पढ़ता था, रात को सोने के बाद मैं उस फार्मूले को पढ़ता था। फ्रेंड्स जिससे जाके जो मेरा मार्क्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा आया है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होता है कि आप किसी भी चीज को इम्पॉसिबल करोगे तो कभी कुछ नहीं हो पाएगा। दुनिया में सब चीज पॉसिबल है, सब चीज हो सकता है और सब चीज आप कर सकते हो। किसी भी चीज के लिए आप न्याय मत करो, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पढ़ाई होता है। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, बड़े बड़े जो फेसबुक डेवलपर है वो भी कॉलेज पास आउट नहीं है। तो फ्रेंड्स आज का जो युग है टेक्नोलॉजी का युग है और आप सोच रहे हैं कि मैं कुछ नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, उसके बाद भी बहुत कुछ कर दूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको पढ़ना पड़ेगा, आप अपने लिए पढ़िए, चाहे दुनिया आपको कितना भी हंसे। आपको अगर आपके साथ कोई बात ऐसी लगी कि आप फेल हो गए तो उसमें आपको निराश नहीं होना है फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हो जाते हैं कि एक बार फेल होने के बाद वो स्टडी नहीं करते। आप नेवर गिव अप एटीट्यूड वाले लोग हो और आप अपने कमी को देखिए, मेरे से क्या गलती हुआ है, आप उसको सॉल्व कीजिए, आप फेल होने में रुके मत, हमेशा पढ़ते रहें। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो गंदा लगा तो डिसलाइक करके आप मुझे बता सकते हैं, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि मैं आज से ये वीडियो ना बना के टेक्नोलॉजी पर वीडियो बनाऊं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।